हमारे रेलवे मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का कि उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने इस बात को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा कि कितना बहुत महत्वपूर्ण स्टॉपेज था ये। बार बार यहाँ से ब्यावर के लोगों की डिमांड थी और इस डिमांड को उन्होंने पूरा किया। जनता की जो बहुत बड़ी, बहुत वर्षों से ये एक मांग थी, उसको उन्होंने समझा और पूरा किया और बांद्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस का ठहराव ब्यावर में दिया। इसके अलावा भी 5 और ठहराव इन्होंने दिए, टोटली इस बार 5 दिए। एक बार इससे पहले एक और ठहराव दिया था रैंड में। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 6 ठहराव हैं जो हमको मिले हैं और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की, कि बहुत बड़ा ये काम हुआ है। ब्यावर में भी हुआ है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी इस तरह की सुविधाएं मिली हैं। आज ब्यावर रेलवे स्टेशन में ना केवल एक ठहराव लेकिन बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं जो कोरोना काल से लेके अभी तक 2 सालों से इन्होंने बहुत काम किया। रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत विशेष मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। DRM साहब भी हमारे बीच हैं कि इन्होंने रात दिन एक करके कोरोना काल में भी और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सेवा की जनता की। किसी को परेशानी नहीं हो, मुसीबत नहीं हो, हर व्यक्ति की, मतलब उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, इनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपने बारे में नहीं। माननीय सांसद महोदय के अथक प्रयास से ब्यावर के निवासियों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज गाड़ी संख्या 22451, 22452 चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनल चंडीगढ़ का दिवसा चंडीगढ़ से चलकर बांद्रा टर्मिनल की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 22452 चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। हरी जी, उपस्थित गणमान्य महानुभाव, रेलवे के मेरे साथियों, मीडिया से आए प्रतिनिधि एवं भाइयों और बहनों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को आज के इस मौसम में हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष स्वागत माननीय दिया कुमारी जी का है।